हेलो फ्रेंड्स, अक्सर जब भी कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए सारी चीजें बिल्कुल नई होती हैं। जब भी उसे ये पता नहीं होता है कि आगे आने वाले 9 महीने कैसे हैं, तो वो अपनी देखरेख खुद अच्छे तरीके से करना शुरू कर देती है। क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है, टाइम टू टाइम अपने सोने का ख्याल रखती है, टाइम टू टाइम अपने उठने का ध्यान रखती है, योगासन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, ताकि ना केवल उसकी बॉडी अच्छी बन सके बल्कि उसके होने वाला बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ बन सके। लेकिन जब आप पहली बार माँ बनती हैं और जब भी प्रसव यानी कि डिलीवरी का वक्त आता है, तो क्या आप जानती हैं कि घर के अंदर डिलीवरी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है? जी हाँ, अक्सर कई बार जब भी घर में डिलीवरी के वक्त आता है, तो हम बाहर से किसी भी बुजुर्ग महिला को या फिर आम भाषा में कहा जाए तो दाइमा को बुलाकर ले आते हैं और बच्चे की डिलीवरी करवा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि पुराने जमाने में ऐसा होता था, तब डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, वैद्य बहुत कम होते थे, लेकिन आज के ज़माने में आपको हर फैसिलिटी अपने घर से 2 कदम की दूरी पर ही मिल जाती है। इसीलिए अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं और डिलीवरी का वक्त सामने आ रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाकर ही अपनी डिलीवरी करवानी चाहिए। घर के अंदर अनजान होने के कारण अगर आप डिलीवरी करवाने की कोशिश करेंगी, तो हो सकता है कि आपको किसी बड़ी चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन डॉक्टर्स ज्ञानी होते हैं, वो जान बचाने वाले होते हैं, इसीलिए आप डॉक्टर्स के पास जाकर ही अपनी डिलीवरी करवाएं, ताकि आप भी सेफ रहें और आपका बच्चा भी सुरक्षित रहे। इस वीडियो को जरूर देखिए और अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।